सुबेदार जोगिंदर सिंह ये एक पंजाबी वॉर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय सिमरजीत सिंह, स्टारिंग गिप्पी गरेवाल जी और अदिति शर्मा। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन पर यह फिल्म आधारित है। 1962 के भारत चीन युद्ध में वे शहीद हुए थे। जोगिंदर सिंह जी और उनके बटालियन के सिख रेजिमेंट के केवल 20 जवानों ने बुमला पास की पोस्ट पर किस प्रकार से हजारों हजारों चीनी सैनिकों का सामना किया, उनके इस अद्भुत पराक्रम, शौर्य और बलिदान की एक कहानी है। हालांकि चीनी सैनिक हजारों की संख्या में थे, उनके पास ढेर सारे हथियार भी थे, लेकिन जोगिंदर सिंह जी और उनके बटालियन के पास में पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे, ना ही ठीक प्रकार से मेडिकल सुविधाएं थी। ऊपर से सरकार की तरफ से भी उन्हें किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं था। उल्टा सरकार की तरफ से सभी भारतीय जवानों को कहा गया था कि वे अपनी पोस्ट छोड़कर वापस चले आए, उन्हें हथियार भी सप्लाई नहीं किए जा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में भी मातृभूमि की रक्षा के लिए जोगिंदर सिंह जी अपने 20 जवानों के साथ में अपनी आखिरी सांस तक अपनी पोस्ट की रक्षा करते रहे और डटकर चीनी सैनिकों का सामना करते रहे। जोगिंदर सिंह जी 1947 से पहले इंडियन ब्रिटिश आर्मी में थे और इसीलिए 1962 के इस भारत चीन युद्ध के अलावा वर्ल्ड वॉर टू के समय के और 1947 के समय जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, जो युद्ध हुआ था, उस समय के भी कुछ फ्लैशबैक्स से इस हमें फिल्म में दिखाए गए हैं। इन सभी वॉर सीन्स के अलावा जोगिंदर सिंह जी का परिवार, उनकी शादी, उनका फैमिली बैकग्राउंड यानी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी फिल्म में हमें बताया गया है। उनकी पत्नी गुरदयाल जी का रोल यहाँ पर अदिति शर्मा ने निभाया है और गिप्पी गरेवाल जी और अदिति शर्मा, इन दोनों की ही केमिस्ट्री भी मुझे फिल्म में काफ़ी पसंद आई। इन सभी वॉर सिक्वेंसेस के बीच बीच में फ्लैशबैक में हमें जोगिंदर सिंह जी किस प्रकार से गुरदयाल जी से मिले, उनके बीच में प्यार कैसे हुआ, शादी कैसे हुई, उनके परिवार ने क्या क्या बलिदान दिए, कैसे कैसे सेक्रीफाइस उनको करना पड़ा, ये सब बातें भी फिल्म में हमें साथ साथ में दिखाई गई है। जोगिंदर सिंह जी के अलावा फिल्म में हमें कुछ और स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। उनके ही बटालियन के बहादुर सिंह, बाबा सिंह, अजय सिंह, ये कुछ कैरेक्टर्स भी मुझे काफ़ी पसंद आए। उनमें से कुछ कैरेक्टर्स हमें फिल्म के एंडिंग में बहुत ही इमोशनल भी कर देते हैं और हमारे आंखों में आंसू भी लेकर के आते हैं। साथ में ही कुछ फनी मोमेंट्स भी फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं और जवानों को सीमा के ऊपर उस समय क्या क्या सहन करना पड़ा था, कैसे कैसे हालातों में वो वहाँ पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे थे, ये कुछ बातें देखकर सच में हमें थोड़ा सा दर्द भी होता है कि उन्हें ऊपर से सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं था, ना ही हथियार उन्हें सप्लाई किए जा रहे थे। ऊपर से कोई भी एक्शन लेने के पहले किस प्रकार से ऊपर से कब ऑर्डर आएगी, इसकी उन्हें राह देखनी पड़ती थी। मतलब अब खुद होकर के वो कोई निर्णय भी नहीं ले सकते थे और ना ही भले ही अपनी कोई कैजुअलिटी हो जाए फिर भी वो सामने हमला नहीं कर पाते थे। इस प्रकार से हाथ बांध कर रखे गए थे सभी जवानों के, ये सब बातें देखकर सच में बहुत ही दर्द होता है। और देखिए ये बात हमें केवल इसी फिल्म में नहीं, पुराने जो भी भारत के साथ जो युद्ध हुए हैं, चाहे वो द गाजी अटैक फिल्म की बात लीजिए या फिर अब इस फिल्म की बात लीजिए, इन सभी फिल्मों में एक बात तो कॉमन है कि उस समय की सरकार ने जवानों के हाथ बांध कर रखे थे। ये बात बहुत ही स्पष्टता से हमें इन सभी फिल्मों में नजर आती है। डायरेक्टर सिमरजीत सिंह जी ने भी फिल्म की कहानी को हो सके उतना न्याय देने की कोशिश की है। जोगिंदर सिंह जी की आर्मी और पर्सनल लाइफ दोनों को ही यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, लेकिन मैं पर्सनली चाह रहा था कि फिल्म में उनकी पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा युद्ध के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, जैसा कि उन्होंने ट्रेलर में हमें दिखाया था। इस फिल्म के ट्रेलर में ज़्यादा फोकस वॉर सिक्वेंसेस के ऊपर किया गया था और मैं बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था इस फिल्म से, लेकिन फिल्म में थोड़ा सा ज़्यादा समय उनकी पर्सनल लाइफ पर दिया गया है। एक और माइनस पॉइंट जो मुझे इस फिल्म में लगा वो है फिल्म के चाइनीज़ कैरेक्टर्स, मतलब जिस प्रकार की कास्टिंग उनके लिए की गई है वो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अच्छी तरीके से उनकी कास्टिंग करनी चाहिए थी। वो कैरेक्टर्स कुछ जगहों पर चाइनीज़ में बात करते हैं, कुछ जगहों पर इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ जगहों पर हिंदी में बात करते हैं, मतलब वो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं लगते हैं। और जिन सीन्स में वो चाइनीज़ में बात करते हैं वहाँ के सबटाइटल्स भी पंजाबी में दिए गए हैं, और इसीलिए वो सीन्स में बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। अगर वॉर सिक्वेंसेस की बात करूँ तो वो बहुत बढ़िया तरीके से शूट किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की काफ़ी अच्छी है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे जब फायरिंग की जाती है चाइनीज़ सोल्जर्स के ऊपर, तो जब गोली लगने के बाद जो ब्लड दिखना चाहिए उनके शरीर के ऊपर वो हमें दिखाई नहीं देता है और एकदम से सभी जवान ऐसे चाइनीज़ सोल्जर्स गिरने लग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा
इतना रियल नहीं लगते हैं वो कुछ सीन्स में वो देखते समय, लेकिन फिल्म हमारे इमोशंस को छूती है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जगाती है, और फिल्म के एंडिंग में हमें इमोशनल करके हमारे आंखों में आंसू भी ये फिल्म लेकर के आती है। तो इसलिए ये माइनस पॉइंट्स उतने मायने भी नहीं रखते हैं, और इसीलिए मैं आप सभी को ये फिल्म रिकमेंड करूंगा। सूबेदार जोगिंदर सिंह जी की ये अद्भुत पराक्रम की जो कहानी है वो सभी भारतीयों को ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आप इसे 10 में से कितने स्टार्स देंगे मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।